विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर लगे जगह जगह कैंप, लायंस नेत्र चिकित्सालय और जिला अस्पताल में हुआ मुख्य कार्यक्रम। फिट इंडिया एक्सरसाइज द बेस्ट थेरेपी इस बार की रही थीम। हम एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर पर वेव तरंगों के प्रभाव से ऐसी बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर लोग उम्र का प्रभाव मानकर लाइलाज मान लेते हैं। अगर बीमारियों की बात की जाए तो लकवा, कमर दर्द, घुटना दर्द, बात, कंधा दर्द, गर्दन दर्द, हाथ पैर में झुनझुनाहट आदि बीमारियों में रामबाण साबित होती है। फिजियोथेरेपी आधुनिक युग की एक ऐसी तकनीकी है जिसके इस्तेमाल से हम कई ऐसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं जिन्हें अभी तक लाइलाज या बढ़ती उम्र का प्रभाव मानकर हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। फिजियोथेरेपी में डॉक्टर बीमारी को एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करते हैं। इस थेरेपी में दवाइयों का इस्तेमाल कम या फिर ना के बराबर होता है। एक्सरसाइज की विशेष तकनीकी ही काम में लाई जाती है। आज 8 सितंबर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस होता है, जिसको हम लोगों ने पूरे विंध्य के फिजियोथेरेपिस्ट लोगों ने मिलकर सोचा कि संगठन बना करके और यहाँ के मरीजों का जो भी घुटने के दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, विभिन्न रोगों से जो ग्रसित हैं उनके लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। अपने दिनचर्या को कैसे ठीक से जीना है, किस वजह से उनको शिकायत हो रही है, ये सारी चीज़ें हम उनको बेहतर रूप से और बेहद रूप से बता सकें, इसलिए हम सारे फिजियोथेरेपिस्ट सहयोग सब संगठित हुए हैं। और मैं लॉयंस क्लब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना प्रांगण हमें दिया। बड़े फिजियोथेरेपी डे बनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में 8 सितंबर को हम सब लोग ने डिसाइड किया कि आज निःशुल्क कैंप होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहयोग हो सके, इलाज हो सके, उसके बारे में फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूकता एक तरह से फैलाना था कि ऐसा ऐसा इस बीमारियों में इलाज होता है, जैसे कमर दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, सर्वाइकल का है नंबर, इस कंडीशन में क्या है कि एलोपैथ के साथ साथ फिजियोथेरेपी एडवाइस दिया जाए तो 100% रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी तक पेशेंट ऐसा होता था कि सिर्फ एलोपैथ पे डिपेंड था तो उसमें क्या रिजल्ट नहीं मिल पाता था, पेशेंट सफर करता रहता। अब क्या है कि फिजियोथेरेपी के आ जाने से एक्सरसाइज इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से आज अच्छी रिकवरी मिल रही है, काफ़ी ठीक हो रहे हैं। और अंदर फिजियोथेरेपी एसोसिएशन हमेशा कैम्प करता रहेगा। हम लोगों ने वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य में आज एक छोटा सा कैंप किया था, क्योंकि ये कैंप और ये इवेंट्स जो हैं पूरे विश्व में आज मनाए जाते हैं। हमारा एक एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इसका कुछ कंसेप्ट होते हैं, फिट इंडिया इसका कंसेप्ट है इस साल का, फिट इंडिया एक्सरसाइज द बेस्ट मेडिसिन। उसी कंसेप्ट पर हम लोगों ने एक छोटा सा कैंप किया था और इस कैंप में हम ये चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट जो फिजियोथेरेपी नहीं जानते या फिजियोथेरेपी के बारे में लाभ नहीं ले रहे हैं वो सब आएँ और उसका लाभ उठाएँ। आज हम लोगों ने IAP की थीम पे बेस्ड एक फिजियोथेरेपी कैंप रखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज 190 से 200 पेशेंट ट्रीट किए, उनको चेकअप किए और उनको आगे के लिए सलाह दी। और आज हम लोगों की कोशिश यही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें फिजियोथेरेपी के लाभों के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में।